खबर आजमगढ़ सगड़ी से, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के विभिन्न अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान दोनों अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से बिलरियागंज एवं जैनपुर के कई संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया और तहसील पर बने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह अन्य को आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी रवानगी, पार्टी की वापसी, मतगणना स्थल सहित अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों आदि का निरीक्षण किया गया। चुनाव को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर प्रशासन की पूरी तरह से नजर रहेगी। यहां कोई भी अराजक तत्व और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने उपजिलाधिकारी सगड़ी को कई आवश्यक निर्देश देते हुए चुनाव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने और मतगणना में निष्पक्ष रूप से मतगणना कराने के आवश्यक निर्देश दिए। जैनपुर के प्राथमिक विद्यालयों पर बने बूथों का भी निरीक्षण किया। जनपद में होने वाले नगर निकायों के निर्वाचन के लिए हम लोगों के द्वारा जो हमारे संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ हैं और जहां से पार्टी रवानगी होगी, वापसी होगी और जो मतगणना स्थल हम लोगों के द्वारा उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारा जो निर्वाचन हो वो शांतिपूर्ण हो, निर्विघ्न हो, उसमें कोई समस्या ना हो। अपने यहाँ पर जैनपुर में और जो बाकी मतलब बिलरियागंज इत्यादि यहाँ पर निरीक्षण